स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं आज 14 मई की 25 अहम खबरें। इंडोनेशिया में आतिशबाजी से बहने वाले लावे ने मचाई तबाही, कई देहात तबाह, दर्जनों अफराद हलाक, तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। इसराइली फौज और फलस्तीनी जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें, 50 इसराइली फौजी जख्मी, इसराइली टैंक तबाह, इसराइली फौजियों को चुन चुन कर स्नाइपर के जरिए कत्ल करने की वीडियो जारी। फलस्तीनियों का मुकम्मल तौर पर गजा से सफाया करने का बयान देने वाले इसराइली होम मिनिस्टर बेन गवर पर इसराइलियों ने ही किया हमला, गजा जंग में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों के घर वालों ने दी खूब गालियां। इंतहा पसंद यहूदियों की दरिंदगी फिर आई दुनिया के सामने, कई महीनों से इसराइली बमबारी के साथ साथ फाका कशी के शिकार फलस्तीनियों के लिए भेजे गए इमदादी ट्रकों पर इन यहूदी आबादकारों ने किए हमले, सामान को बर्बाद करके फेंक दिया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने जंगबंदी न होने के लिए इसराइल को ठहराया जिम्मेदार, कहा हमास ने कबूल की जंगबंदी की तजवीज, लेकिन नेतन्याहू अमेरिका और न ही यूरोपीय ममालिक सीज फायर चाहते हैं। धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है अजीम इत्तेहाद, मिस्र के बाद अब मालदीव की हुकूमत ने इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ खड़े होने का कर दिया ऐलान। इस्माइल हानिया हमास की क्यादत वाले वफद के साथ पहुंचे मलेशिया, मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, मलेशिया के वजीर खारजा और मलेशिया के वजीर तालीम दोनों से की मुलाकात, इसराइली फौज के ताज़ा हमलों और निहत्ते शहरियों की शहादतों पर दी ब्रीफिंग। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फलस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले यूनिवर्सिटी के तुलबा को धमकी, कहा अगर मैं बन गया अमरीका का सदर तो ऐसे स्टूडेंट्स को अमेरिका से ही बाहर निकाल दूंगा। रूस के साथ जंग के आगाज के बाद से यूक्रेन ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, रूसी शहर बेलग्रोद पर मिसाइल हमले में 10 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग जमीन बोस, 13 अफराद हलाक और 31 जख्मी हैं। मुंबई के घाटकोपर में धूल भरी आंधी और बारिश से गिर गया 100 फुट लंबा होर्डिंग, कम अज कम 14 अफराद हलाक, हादसे का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान में मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ दरख्वास्त गुजारने की शिकायत, तो सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन जाने का दिया हुक्म। राहुल गांधी का मीडिया पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम, कहा जब अरबपतियों का कर्ज माफ होता है तो मीडिया कहता है देखो कि तरक्की हो रही है, लेकिन जब किसानों का कर्ज कांग्रेस माफ करती है तो मीडिया कहती है कि कांग्रेस लोगों की आदत बिगाड़ रही है। प्रियंका गांधी ने अमेठी की आवाम को गुमराह करने का बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी उम्मीदवार ने अमेठी की खवातीन को दिलाई कसम ताकि वो बीजेपी को वोट दे, उन्होंने झूठ फैलाया कि कांग्रेस मजहब के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने फैमिली मेंबर्स को टिकट दिए जाने से योगी मोदी की नाराजगी पर किया तर्ज, कहा उन्हें फैमिली बढ़ाने से रोक कौन रहा है, साथ ही उन्होंने यूपी की एक सीट छोड़कर तमाम सीटों पर जीतने का दावा भी किया। तेजस्वी यादव के नरेंद्र मोदी पर तंज व तनकीदी हमले जारी, अब कहा बिहार में इंडिया अलायंस की चल रही है हवा, बॉलीवुड सॉन्ग के जरिए फिर एक मर्तबा पीएम मोदी के झूठे वादों पर किया तंज। कंगना रनावत ने फिर 2014 में हिंदुस्तान को आजादी मिलने की बात दोहराई, कहा मोदी है महापुरुष, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहती हूँ। कल वोटिंग के दरमियान आंध्र प्रदेश में पेश आए कई पुरतशद्दुद वाकयात, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी बीजेपी कारकुनों के दरमियान खूनरेज झड़पें, पेट्रोल बमों से भी किए गए हमले, गाड़ियां जला दी गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाकई तेनाली इलाके के एक पोलिंग बूथ पर लाइन तोड़कर आगे बढ़े वाईएसआर सीपी एमएलए को टोकने पर उन्होंने वोटर को मारा थप्पड़, तो वोटर ने भी जवाब में एमएलए को रसीद कर दिया तमाचा, एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में फाइनल वोटर टर्नआउट के फिगर्स कर दिए जारी, रियासत में 64.93% वोटिंग, मुंगेर में सबसे ज्यादा 76.47, तो हैदराबाद में सबसे कम 46.08% वोटिंग दर्ज। कल 13 मई को वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों और वीवीपैट पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम में स्ट्रांग रूम्स कर दिए गए मुंतकिल, स्ट्रांग रूम्स के बाहर सेंट्रल फोर्स को किया गया तैनात, 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम के किए गए इंतजाम।
तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में इलेक्शन के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने मुकम्मल ड्यूटी की उजरत देने का इलेक्शन अहदेदारों से किया मुतालबा, तो पुलिस ने उन पर बरसाई लाठियां। मुस्लिम खातून वोटरों की पहचान की जांच करने का माधवी लता ने किया बचाव। इस मामले में FIR दर्ज होने पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कानून का मजाक उड़ाते हुए कहा, FIR मेरे लिए है अवार्ड। दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार MLC के कविता को दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट से फिर मिला झटका। अदालती हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी गई। तेलंगाना के कई इलाकों में बढ़ती जा रही है आवारा कुत्तों की दहशत। अब विकाराबाद जिले के तांडूर में एक 5 महीने का बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में हलाक। आवारा कुत्ते से बच्चों को महफूज रखने की सरपरस्तों से अपील। तेलंगाना के जनगांव महबूबाबाद, मुलुग और वरंगल में हुई तेज बारिश, मेदक जिले के कुछ हिस्सों में गिरे ओले। शहर हैदराबाद में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, हल्की बारिश का भी इम्कान। स्क्रीन न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। देखते रहिए BPM चैनल। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए, डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटी ट्रीटमेंट, हैदर नगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। अरफा टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप, हज कर लो इस बार, फिर ऐसा मौका मिले ना अगली बार। बजरिए अरफा टूर्स कम खर्च में मौका है इस बार, सिर्फ 5,67,890 रुपए। हज कमेटी में नाम न आने वाले आजमीन के लिए खसूसी पेशकश हज 2024, महदूद निश्ते दस्तयाब है। हज वीज़ा मुअल्लिम के साथ मक्का और मदीने मुनव्वरा की रिहाइश, 3 वक्त हैदराबादी खाना और साथ में मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। क्लॉक टावर शिफ्टिंग ग्रुप 7,86,000 रुपए। तो देर ना करे, रब्त करे अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप हाफिज मोहम्मद अफजल से 8686338463849392644008 पर।